प्यारे दोस्तों, फिल्मी गढ़ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर बताऊंगा। 1984 की टॉप 5 मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें जितेंद्र की मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। अमिताभ और राजेश खन्ना पर वो भारी पड़ गए थे। दोस्तों, साल 1984 में वैसे तो एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थी। आज हम आपको उन 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उस साल की टॉप 5 और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसमें दिग्गज अभिनेता जितेंद्र अकेले सब पर भारी पड़ गए थे। 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 2 जितेंद्र की ही थी। आइए जानते हैं डिटेल उनके बारे में। आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर सुनने को मिलती रहती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र की कई हिट फिल्में आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। 80 के दशक में एक तरफ जहां अमिताभ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकारों का बोलबाला हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र की अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी। साल 1984 में जितेंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से 1 और 2 नंबर पर जितेंद्र की ही फिल्म थी। तो आइए देखते हैं कि वो फिल्म कौन कौन सी है। दोस्तों, पहली मूवी है तोहफा। जितेंद्र की यह फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी और रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार साल 1984 में की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में जितेंद्र के अलावा जयप्रदा और श्रीदेवी भी लीड रोल में नजर आई थी। जितेंद्र ने इस फिल्म से न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाया था, बल्कि इस फिल्म के बाद उनके करियर में काफी उछाल आया था। दोस्तों, अगली जो मूवी है वो है मकसद। दोस्तों, साल 1984 की ये जितेंद्र की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। रिलीज के साथ ही यह फिल्म लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ राजेश खन्ना, जयप्रदा और श्रीदेवी भी लीड रोल में नजर आई थी। यह फिल्म दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन का साधन बनी थी और लोगों ने भरपूर प्यार निभाया था। दोस्तों, मूवी बहुत ही जबरदस्त हिट साबित हुई थी। दोस्तों, इसी कड़ी में जो तीसरी मूवी है वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की शराबी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की यह फिल्म आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। साल 1984 की यह तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जयप्रदा, प्राण भी अहम भूमिकाओं में थे। रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इसके लगभग सारे गाने सुपरहिट थे। और दोस्तों, मैं खुद भी इसको कम से कम 10 बार देखा हूँ। मूवी जितनी बार देखो, एक एक से डायलॉग आपको बहुत ही पसंद आते हैं। दोस्तों, अगली मूवी है वो धर्म और कानून। दोस्तों, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जयप्रदा और आशा पारेख स्टार, इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म की कहानी काफी दमदार थी और रिलीज के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। इस पर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया था। इस फिल्म के जरिए राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की जोड़ी पर्दे पर छा गई थी। साल 1984 की यह चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। दोस्तों, इसी क्रम में जो आखिरी और 5वीं जो मूवी है वो है राज तिलक। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, कमल हासन, राजकुमार, प्राण, स्टारर, यह फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाने लगी थी। दोस्तों, ये मल्टी स्टारर फिल्म थी। साल 1984 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया गया था। दोस्तों, ये थी 5 1984 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, जिसमें जितेंद्र पहले और दूसरे नंबर पर काबिज होते हैं। दोस्तों, ऐसी और बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग खबर के साथ हम आपसे हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ऐसी इंटरेस्टिंग खबर के साथ। अदर प्लेटफॉर्म पे अगर देख रहे हैं तो हमें वहां फॉलो जरूर करें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।